ए टू जेड में क्या मुस्लिम और दलित आता है, ये आप तेजस्वी यादव से पूछे। तो व्यक्ति की गरिमा सिर्फ भोजन से नहीं होती है, कुर्सी से नहीं होती है, उचित सम्मान से भी होती है। तो आप तो सामंतवाद की बात कर रहे हैं। ये शोषित वंचितों के अधिकारों और उनके सम्मान से समझौता करके कोई गठबंधन नहीं करने। कांशीराम साहब ने भी स्पष्ट किया था कि पाखंडवादी और ब्राह्मणवादी और सनातनी अगर सरकार मानने वाली विचारधारा की होगी, वो कभी भी शोषितों वंचितों के अधिकारों की और संविधान के आप देश की राजनीति को तय करना है और इस देश का शासन अगर चलाना है तो हमारी भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए। गांव में देखिएगा कि कुछ सवर्ण लोग दलित को भी मुखिया बना देते हैं, वो अपना पॉकेट का रबड़ स्टैम्प रखते हैं। भाजपा ही शोषित वंचितों को उचित भागीदारी दे सकती है, तो आप लोग भाजपा में क्यों नहीं चले जाते? भाजपा अच्छा सम्मान देगी आप लोग। मुस्लिम समाज कहाँ गया, दलित समाज कहाँ गया? क्या उनके उप मुख्यमंत्री नहीं हो सकते? मैं जानता हूँ कि ये संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन जहाँ तक भागीदारी और सम्मान देने की बात थी, तो इस नीतीश कुमार ने या तेजस्वी यादव जी ने क्यों नहीं भागीदारी दी? अच्छा एक सवाल है, राजनीतिक सवाल। पटना में 23 जून को बैठक होने वाली महागठबंधन के, आपके पार्टी का क्या रोल रहेगा? महागठबंधन में शामिल होंगे या फिर अलग ही चुनाव लड़ेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे? महागठबंधन के जितने भी बड़े लीडर हैं, खास करके मैं तेजस्वी यादव को, उनका ए टू जेड का नारा है। ए टू जेड में क्या मुस्लिम और दलित आता है, ये आप तेजस्वी यादव से पूछे। दूसरी बात, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी ए टू जेड की सरकार है, मुख्यमंत्री आप होते हैं, उप मुख्यमंत्री यादव होता है, दूसरा भी पिछड़ा समाज का होता है, तो बाकी कहाँ गए? मुस्लिम समाज कहाँ गया, दलित समाज कहाँ गया? क्या उनके उप मुख्यमंत्री नहीं हो सकते? मैं जानता हूँ कि ये संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन जहाँ तक भागीदारी और सम्मान देने की बात थी, तो इस नीतीश कुमार ने या तेजस्वी यादव जी ने क्यों नहीं भागीदारी दी, ये सवाल है। महागठबंधन से जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, तो ये समझ लीजिए कि हम अपने लोगों के, शोषित वंचितों के अधिकारों और उनके सम्मान से समझौता करके कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे। बताइए ना, वो शामिल होइए कि नहीं बैठक में आप लोग? मैं ये कह रहा हूँ कि शोषित वंचितों को अगर उचित भागीदारी मिलती है, उचित भागीदारी ये तय करेंगे हमारे राष्ट्रीय नेता, क्योंकि फिर सवाल आएगा कि आपकी भागीदारी क्या होगी। मैं ये कहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर के नेता जो उचित समझेंगे, अगर वो उचित भागीदारी मिली, सम्मान मिला, शोषित वंचितों की रक्षा की बात कमिटमेंट अगर होगी और संविधान की रक्षा की बात होगी, तो इस भाजपा को, जो संविधान विरोधी भाजपा है, उसको रोकने के लिए हम ऐसा बात कर रहे हैं। भाजपा ही शोषित वंचितों को उचित भागीदारी दे सकती है, तो आप लोग भाजपा में क्यों नहीं चले जाते? भाजपा अच्छा सम्मान देगी आप लोग को? नहीं नहीं, बात शोषित वंचितों की, हम सम्मान की भी बात करते हैं, क्योंकि हम संविधान के उस प्रस्तावना को मानते हैं कि ना सिर्फ समानता बल्कि व्यक्ति की गरिमा का भी हम ख्याल रखते हैं। तो व्यक्ति की गरिमा सिर्फ भोजन से नहीं होती है, कुर्सी से नहीं होती है, उचित सम्मान से भी होती है। भाजपा देती है नहीं उचित सम्मान? नहीं देती है। आपसे कैसे कह सकते हैं देती नहीं? आपका सीधा उदाहरण है सर, भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू, जो कि संवैधानिक प्रधान है और संविधान का अंग होता है लोकसभा, उसके उद्घाटन में आपके द्रौपदी मुर्मू को बुलाना भी उचित नहीं समझा। तमाम 27 पार्टियों के विरोध और ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद, सर ये तो सरकार बनाई थी संसद भवन, ये कोई तर्क हुआ कि राष्ट्रपति? ऐसा पहली बार थोड़ी हो रहा है। राजभवन राज्यपाल नहीं करते, उद्घाटन मुख्यमंत्री करते प्रत्येक राज्य में, ये पहली बार थोड़ी हो रहा है ये सब? नहीं, ये आपका, आप देख लीजिए, आदिवासी राष्ट्रपति बनाया कि नहीं, पहला आदिवासी राष्ट्रपति? देखिए आप ये समझिए कि आप गाँव में देखिएगा कि कुछ सवर्ण लोग दलित को भी मुखिया बना देते हैं, वो अपना पॉकेट का रबड़ स्टैम्प रखते हैं। आप देखते होंगे, आप जब ऐसी बात कर रहे हैं तो आप तो सामंतवाद की बात कर रहे हैं। सामंतवाद में भी ऐसा होता था कि वो मजदूरों को खाना घर में पहुंचाया करते थे, लेकिन वो सम्मान हिस्सेदारी नहीं हुई, वो भीख हुई, जो हम भीख लेना नहीं चाहते हैं। अगर बाबा साहब ने हमें एक वोट का राइट दिया है और हमको शोषक से, शोषित से हमको शासक बनाने का अगर बात किया है, तो अगर हम वोट कर रहे हैं और इस देश की राजनीति को तय करना है और इस देश का शासन अगर चलाना है, तो हमारी भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? भागीदारी तो भाजपा ही देगी ना। भाजपा महागठबंधन में तो संभव नहीं है। महागठबंधन में 7 दल है, सभी का अपना अपना डिमांड है। मांझी जी 5 सीट का डिमांड कर दें तो आप लोग को उम्मीद है? मेरी बात समझिए,
पहला तो स्पष्ट है कि हम भाजपा के साथ नहीं जा सकते, एकदम बिल्कुल एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। कितनों सीट दे दे, तो कितनों सीट दे दे, हम स्पष्ट है कि हम बहुजन की सरकार चाहते हैं और संविधान को रक्षा करने वाली सरकार चाहते हैं, जो कांसी राम साहब ने भी स्पष्ट किया था कि पाखंडवादी और ब्राह्मणवादी और सनातनी अगर सरकार मानने वाली विचारधारा की होगी वो कभी भी शोषितों वंचितों के अधिकारों की और संविधान के। आप किस बिहार पे कह रहे हैं कि संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है भाजपा, किस बिहार पे कह रहे हैं? आप देख लीजिए EWS को देख लीजिए, EWS में कहाँ प्रावधान है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाए? आपने आरक्षण दिया, सारे चीज़ों को पलट कर दिया। आप धारा 370 देखिए, धारा 370 दो देशों के बीच में एक कमिटमेंट हुआ था और इस बात पे हुआ था कि अगर उनको विशेषाधिकार मिलता है तब वो भारत में राज्य में शामिल हो गए, और भारत सरकार ने वहाँ मुहर लगाई थी, उसको आपने पलट दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि संवैधानिक प्रावधानों को, ये बात सही है कि भारत के संविधान को द्वारा इस संसद को ये अधिकार है, वो किसी भी प्रावधान को उलट सकती है। डर हमें इसी बात का है कि ये सरकार जो है आने वाले समय में मनुवादी सोच के कारण ये हमारे मौलिक अधिकारों को भी कमतर करने का प्रयास करेगी। आपने देखा होगा दो अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था भीम आर्मी के पूरे वर्ल्ड पूरे भारत में, वो क्या था कि दलितों के आरक्षण और उनके एट्रोसिटी एक्ट पर हमला था, तो इसके खिलाफ हम लोग उतरे थे। तो आप कौन कौन सा सबूत लेना चाहते हैं मुझे नहीं समझ में आता। भारत का संविधान करता है कि इस देश का जो शासन होगा वो निरपेक्ष होगा, सरकार निरपेक्ष होगी, तो हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो आप किसी धर्म विशेष के प्रति अगर आप दिखला रहे हैं तो बाकी धर्मों के अंदर में तो ये खौफ आएगा कि ये देश हमारा नहीं है। ये बात के लिए आपने मुसलमानों को नहीं रोका था, बौद्धिस्टों को नहीं रोका था, और आप बोलते हैं हिंदू राष्ट्र की बात। हिंदू राष्ट्र क्या संविधान में प्रावधान है? नहीं है। अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, प्रधानमंत्री कहाँ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? क्यों प्रधानमंत्री, अगर मैं आज़ाद समाज पार्टी का प्रवक्ता हूँ, अगर मैं कोई बात कहता हूँ तो क्या मेरे कहे हुए कथन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप नहीं घेरते हैं? आप नहीं बोलते हैं कि आपके प्रवक्ता ने ये कहा है, तो या तो आप उसे निकालिए, कार्रवाई कीजिए, या तो मैं मानूंगा कि आपका समर्थन है। तो हिंदू राष्ट्र की बात उनके तमाम नेता करते हैं, तमाम चेला चपाटी अंधभक्त सारे करते हैं, मंत्री विधायक करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे अंधभक्तों भाइयों, कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हो तो क्या गलत है कि कोई खालिस्तान की मांग करता है सिख धर्म के आधार पर? तो आप इसके साथ दोहरा व्यवहार क्यों करना चाहते हैं? तो या तो आप खालिस्तान दे दीजिए और हिंदू राष्ट्र बना लीजिए, और दलितों को अछितो लैंड दे दीजिए, आप हिंदू राष्ट्र बना लीजिए, आप बौद्धिस्टों को एक अलग देश दे दीजिए, आप हिंदू राष्ट्र बना। आप ये सोचते हैं कि इन लोगों को अंदर में रखकर और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करें, ये संवैधानिक मर्यादा का खुला खुला उल्लंघन है और इस देश को तोड़ने की साजिश है। चलिए तो इन्होंने अपनी बात रखी कि जो रोहतास में हुआ 14 वर्षीय दलित बच्ची के का रेप कर दिया गया एक यादव समाज के द्वारा, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, हालांकि जो गिरफ्तारी हुई थी उसे भी छोड़ दिया गया, और बिहार में 23 जून को होने वाली महागठबंधन की बैठक पे इनकी जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया आपको कैसी लगी? प्रतिक्रिया आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत, जय भारत।